वाशिंगटन में इस महीने के दौरान होने वाली ये दूसरी बड़ी कॉन्फ्रेंस है। गो के इस कॉन्फ्रेंस में किसी मुल्क के सरबराही वफ ने शिरकत नहीं की। कॉन्फ्रेंस का मकसद अमरीका और उसकी कारोबारी कंपनियों को मुसलमान मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी अफराद के करीब लाने का प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। थैंक यू। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ओबामा ने मुसलमान मुल्कों से करीबी पार्टनरशिप कायम करने और साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में नौजवानों के लिए मौके बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी और ऐजादात के हवाले से जिस बिल का मैंने कायरा में ऐलान किया था उसमें $2 अरब की सरमायाकारी की गुंजाइश है। ये आपका पैसा होगा और इससे तमाम मुल्कों के आम लोगों के लिए टेलीकम्युनिकेशन, सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में नए मौके पैदा होंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अमरीका के सेक्रेटरी कॉमर्स गैरी लॉक ने कहा कि अमरीका मुस्लिम कम्युनिटीज में एक सरगर्म और फाल एंटरप्रेन्योर कल्चर कायम करना चाहता है जिसमें अमरीका का किरदार एक पार्टनर का हो ना कि एक सरपरस्त का। Governments have an important role to play. हुकूमतें पॉलिसीज बना सकती हैं मगर आखिर में ये आप जैसे लोग हैं जो कारोबार शुरू करते हैं, खतरात मोल लेते हैं ताकि आपकी मईशत और मुल्क तरक्की कर सकें। कॉन्फ्रेंस में 50 मुसलमान मुल्कों की कामयाब कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की जिनका इंतखाब अमरीकी हुकूमत ने उनके अपने अपने मुल्क में कारोबारी मवाकों के फरोग में कारकर्दगी के लिहाज से किया था। मेरी मुलाजमत छूट गई थी, कोई बचत नहीं थी, तब मैंने अपना बिजनेस 2 पार्टनर्स के साथ शुरू किया था। अब मैं इंडोनेशिया में एक कामयाब प्राइवेट इक्विटी फर्म का मालिक हूँ। 2008 in March मैं इंडोनेशिया के दूर दराज देहात में काम कर रही हूँ। 2008 में मुझे बागियों ने अगवा कर दिया। मैं जानती हूँ वो हथियार बनाने में अच्छे हैं, इसलिए मैंने उन्हें कायल करने की कोशिश की कि पिस्तौल बनाना और एक बिजली का टर्बाइन बनाना बुनियादी तौर पर एक ही काम है। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हम कम उम्र थे, हम 17 साल के थे। हमें लोगों को ये यकीन दिलाने में मुश्किल पेश आई कि हम अपना बिजनेस चलाने की सलाहियत रखते हैं ताकि वो हमारे कारोबार में सरमाया लगा सकें। पाकिस्तान से शिरकत करने वाले 7 रुकनी वफ्द के अराकीन ने कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी कंपनीज के लिए अमरीका में नेटवर्किंग का अहम मौका करार दिया और कहा कि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी कंपनियों के लिए अपनी सलाहियतों को इस आलमी प्लेटफॉर्म पर मुतारिफ कराने और अपनी मसनूआत और खिदमात के लिए अमरीकी मंडी और गैर मुल्की खरीदार तलाश करने का मौका है। मुल्क की 10% बिजली जो है वो इस वक्त जो जनरेट हो रही है वो हमारी कंपनियों से हो रही है, तो मेरा इसमें खुद बहुत इंटरेस्ट है। और ये खातून ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया वो छोटे पावर प्लांट्स जो हाइड्रो हैं जो हमारे मुल्क में आज़ाद कश्मीर और फ्रंटियर में लगाए जा सकते हैं, ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है। और ये छोटे छोटे पावर प्लांट्स को फाइनेंस करके इससे बिजली हमारे नेशनल ग्रिड को दी जाए। हमें मौका मिल रहा है दुनिया भर के लोगों के साथ कनेक्ट करने का। अब पिछले 24 घंटों में इतने मुख्तलिफ मुतफरक किस्म के लोग मिले हैं जिनके इतने मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं और उसको देखकर इतना मज़ा आ रहा है कि इनमें से कई बिजनेसेस हैं जो हमारे मुल्क में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अभी एक खातून इंडोनेशिया में है जिन्होंने लोगों को छोटे छोटे टर्बाइंस बनाने सिखाए और अपनी कम्युनिटी में पावर जनरेशन करनी सिखाई। ये जो समिट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एक प्रसप्शन है मुस्लिम वर्ल्ड का वो चेंज कर रहे हैं आप, ये दिखा के कि मुस्लिम वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। हम जानते हैं कि गुर्बत और शिद्दत पसंदी का आपस में कुछ ना कुछ रिश्ता ज़रूर है, मगर क्या इस मसले का ताल्लुक उस रिश्ते की अदम मौजूदगी से भी है जो मुस्लिम दुनिया की इकॉनमी का ग्लोबल इकॉनमी से होना चाहिए? माहरीन का कहना है कि मुसलमान दुनिया के कई मुल्कों में ऐसी मिडिल क्लास मौजूद नहीं जो आलमी मईशत से मुंसलिक हो, और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुसलमान दुनिया की 65% से ज़ायद नौजवान आबादी की सलाहियतों को मस्बत रुख पर ले जाने के रास्ते दरियाफ्त करने की एक कोशिश की गई है। ताबिंदा, नईम, उर्दू, VOA, वाशिंगटन।